यूज़ करने की ये एप्लीकेशन या प्रोग्रामिंग कोड की हम बात करते हैं, सी प्रोग्रामिंग का कोड करना है इसके लिए। यदि यूनिट्स 0 से 100 हैं, जो लेस देन 100 हैं, तो फिक्स रेट है 250, और यदि हमारे पास जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो 101 से 250 तक हैं, तो जो सभी यूनिट्स हैं वो एट द रेट 3 रुपीज़ पर यूनिट क्या है उसका बिल क्रिएट होगा। वैसे ही 251 के से लेके 500 तक 3.75 रुपीज़ पर यूनिट कॉस्ट होगी, और 501 ऑनवर्ड्स क्या है 4.5। तो बात करते हैं कि हम इसको कैसे करें। ओके, तो इसके लिए जो हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो इफ एल्स इफ लैडर यूज़ करेंगे हम। तो दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन, दिस इज़ द सेकंड कंडीशन, दिस इज़ द थर्ड कंडीशन, एंड इट इज़ द लास्ट जो एल्स वाला पार्ट आता है इसमें। यदि फर्स्ट कंडीशन की हम बात करते हैं तो इसमें वेरी क्लियर है कि जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स क्या है लेस देन इक्वल टू, नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो लेस देन इक्वल टू कितने हमारे पास 100, तो उसके अकॉर्डिंग वो फिक्स बिल कितना आएगा 250। और यदि वो नंबर ऑफ यूनिट्स क्या हैं हमारे पास क्या है 101 से लेके 250 तक हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि हमारे पास दो कंडीशंस लगेंगी रिलेशनल ऑपरेटर के साथ, साथ में हमारे पास क्या है एंड लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज़ होगा। पहला किसके लिए, इसके लिए कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स ग्रेटर देन है 100 से, और नंबर ऑफ़ यूनिट्स क्या है लेस देन है, ये ग्रेटर देन यानी कि लेस देन है किससे, टू लेस देन इक्वल टू है 250, और बीच में क्या आएगा हमारे पास एंड ऑपरेटर आएगा। ठीक है, सो ये हमारे पास इफ, ये एल्स इफ, ये एल्स इफ और ये एल्स। अब इसके कोड को हम अंडरस्टैंड करते, सो दिस इज़ द कोड, इसको पहले रन करके देख लेते हैं हम। इसको हमने रन किया तो पहले मैं नंबर ऑफ़ यूनिट 90 डाल रहा हूँ, तो 90 मैंने नंबर ऑफ़ डाले तो ओबियसली क्या आएगा इसका बिल कितना आएगा 250। अब उसके बाद क्या है, मैं फिर से रन करता हूँ, इसका कोड मैं डाल रहा हूँ 100 से ऊपर यानी कि 150 डाल देता हूँ, तो 150 किसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये 3 के अकॉर्डिंग आया। उसके बाद 3.5 क्या आएगा, फिर आएगा 3.75, फिर 4.5। अब कोड को देखिए, वेरी सिंपल, और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिए, ये इंटीजर लिया, नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं, ये बिल लिया, ये इनपुट की हमने कि कितनी यूनिट्स हम कीवर्ड से इनपुट कर रहे हैं। तो यदि यूनिट्स लेस देन 100 हैं तो कंडीशन के अकॉर्डिंग बिल कितना हुआ 250 फिक्स। और अब देखिए, एल्स इफ नंबर ऑफ़ यूनिट ग्रेटर देन 100 एंड लेस देन इक्वल टू 250, तो दिस इज़ ए रिलेशनल एक्सप्रेशन, दिस इज़ ए रिलेशनल एक्सप्रेशन, और बीच में क्या हमारे पास क्या आ गया लॉजिकल ऑपरेटर एंड, दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी एग्जीक्यूट होगा। तो उस केस में हमारे पास बिल कितना होगा, दैट बिल मल्टीप्लाइड बाई द नंबर ऑफ़ यूनिट्स मल्टीप्लाइड द 3 रुपीज़। और सिमिलरली ये किसके लिए हमारे पास, जब 250 से लेकर 500 तक की हैं 3.5 से, और एल्स में आएगा 4.5। एल्स में कंडीशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट इज़ द लास्ट केस। और इफ़ एल्स इफ लैडर में क्या होता है कि इनमें से कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, एक ही घर है, एक ही बिल आएगा, और एक के बिल के अकॉर्डिंग क्या है कि नंबर ऑफ़ यूनिट के अकॉर्डिंग वो बिल प्रोड्यूस होगा, उसको हमने प्रिंट कर दिया है। फ्लोट इसलिए लिया है बिकॉज द वैल्यूज़ आर इन द रैशनल वैल्यूज़ हैं, पॉइंट्स में वैल्यू हैं, तो उसको हमने इस तरीके से लिया। थैंक यू।